हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेज एंड विंग्स के पंजाब ट्रिप में। आइए आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी सरजमी पर जिसका कण कण हरियाली से भरा हुआ है, लेकिन जिसकी हवाओं में वीरता और बलिदान का लाल रंग महकता है। सिख गुरुओं का धर्म और देश के लिए बलिदान, देश के वीरों का देश की आजादी के लिए बलिदान और देश के सैनिकों का देश की रक्षा के लिए बलिदान। जी हां, आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं अमृतसर की। अमृतसर रेल और रोड के रास्ते देश के सभी भागों से वेल कनेक्टेड है और यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। टूरिस्ट के लिए सबसे अच्छा सीजन नवंबर से मार्च तक है। आइए निकलते हैं अमृतसर घूमने। सबसे पहले चलते हैं सिख संप्रदाय के सबसे पवित्र और मुख्य आस्था केंद्र हरमंदिर साहिब, जो दरबार साहिब, स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। यह पावन गुरुद्वारा जिस पवित्र सरोवर के बीच बना हुआ है, उसे अमृत सरोवर कहते हैं और इसी के नाम से शहर का नाम अमृतसर पड़ा। यह गुरुद्वारा 400 साल पुराना है और सन 1604 में यहां गुरु ग्रंथ साहिब का पहला एडिशन एस्टैब्लिश किया गया था। पूरा मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है और इसकी दीवारों पर सोने की पत्तियों से नक्काशी की गई है। यह नक्काशी महाराजा रणजीत सिंह ने करवाई थी, जिसमें 500 किलोग्राम सोने का इस्तेमाल हुआ था। इस मंदिर में सब धर्मों के मानने वालों का स्वागत है। किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिवा इसके कि आप शालीन कपड़ों में जूते उतार कर और अपने सिर को ढककर अंदर जाएं। गोल्डन टेंपल में 24 घंटे चलने वाला लंगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा लंगर है, जिसमें 1,00,000 लोग डेली खाना खाते हैं। यहां से केवल 600 मीटर की दूरी पर है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन इतिहास का एक काला अध्याय लिखा गया था। रोलेट एक्ट के विरुद्ध में यहां एक सभा हो रही थी, जिसमें अंग्रेज ऑफिसर जनरल डायर के आदेश पर सैनिकों ने बाग को घेर लिया और बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में 400 से अधिक निर्दोष लोग मारे गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एक कुएं में कूद गए। 120 शव तो सिर्फ कुएं से ही मिले थे। यह शहीदी कुआं और दीवारों पर लगी गोलियों के निशान आज भी जलियांवाला बाग में है। शहीदों की याद में यहां एक स्मारक बनाया गया है। अब हम बात करते हैं अमृतसर के खाने और शॉपिंग की। अमृतसर में नाश्ते में अमृतसरी कुलचा, मटर के साथ खाना और लस्सी पीना ना भूलिएगा, और खाने में मक्के की रोटी और सरसों का साग जरूर ट्राई कीजिए। शॉपिंग के लिए यहाँ के पश्मीना शॉल्स, फुलकारी ड्रेस मटेरियल, वूलन्स और जूतियाँ काफ़ी मशहूर हैं। अमृतसर का तीसरा टूरिस्ट स्पॉट है वाघा बॉर्डर। यह इंडो पाक बॉर्डर अमृतसर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ शाम को भारत और पाकिस्तान के जवानों द्वारा बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी परफॉर्म की जाती है। 45 मिनट की यह सेरेमनी गर्मी में 5:15 बजे और सर्दी में 4:15 बजे स्टार्ट होती है। इसे देखने के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंचना होगा, ताकि पार्किंग, लगेज और सिक्योरिटी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जा सके। यह सेरेमनी शानदार तो है ही, साथ ही इसमें देशभक्ति की भावनाएँ पूरी जोश पर होती हैं। Oh,
दोस्तों आज का सफर यहाँ पूरा होता है। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और ड्रीम डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।